लोकेशन इसी मार्केट की है भैया। अरे भैया, आपने इनको कहीं देखा है क्या? नहीं बहन जी। बेटा बेटा, यहाँ कोई लड़की आई थी क्या? इस लड़के के साथ तुमने देखा क्या? आप अभिमन्यु भैया और नियति दीदी की बात कर रहे हो? हाँ हाँ, वो दोनों आए थे आज चाय पीने, फिर नियति दीदी अभिमन्यु भैया की बाइक पर बैठी और वो दोनों कहीं चले गए। चले गए? क्या बात दीदी? वो लोग यहाँ आए थे और यहीं से चले गए। मनोरमा आंटी शायद मार्केट वाली लोकेशन पर पहुंच गई है, क्या करूं? क्या हुआ? नहीं उठा रही है, अब कहां ढूंढे? रोको रोको रोको। पर तुम्हारा घर तो नहीं? वो सारा को मैंने यहीं मिलने के लिए कहा था। अच्छा, तो मैं चलता हूं। गुड बाय। तुम ठीक तो ना? इधर आओ, आराम से, आराम से, आराम से। कहीं मूंछ तो नहीं आ गई? पता नहीं, शायद। आंटी को यहाँ की लोकेशन भेज देती हूँ। भैया भैया, नियति ने नई लोकेशन भेजी है, चलिए जल्दी चलिए। मैं एक काम करता हूँ, तुमको तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। तुम्हें तकलीफ हो रही होगी ना? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। कल तुम छोटू की दुकान पर क्या कहना चाहते थे? छोटू की दुकान पर थप्पड़ मारने से पहले वो क्या है ना कि कभी कभार मेरा दिमाग है ना, मेरे कंट्रोल में नहीं रहता। क्या ना कि मेरे दिमाग में इश्यू हो गया है और मैं नहीं चाहता कि उसकी वजह से मेरे फैमिली वाले किसी भी परेशानी में आए, इसीलिए मैं उनसे दूर भाग जाना चाहता हूं। अरे भैया, हटाओ ना। तुम्हारी मां कितनी परेशान होंगी, तुम उनके बारे में क्यों नहीं सोचते? जब वो तुमसे इतना प्यार करती हैं, तुम्हारे दूर जाने के बाद उनका क्या हाल होगा? तुम उनको फोन क्यों करते हो? सीधा जाके मिल लो ना। यानी कि तुम मेरी माँ से मिल चुकी? मैं नहीं जानता नियति, मतलब आगे जाकर मेरे साथ क्या होगा। हो सकता है मैं पागल हो जाऊं, हो सकता है कि मेरी याददाश्त सही सलामत रहे या ना रहे, ऐसा भी हो सकता है कि मैं खुद को भूल जाऊं और मेरी माँ मुझे उस कंडीशन में देखेगी तो उन्हें बहुत तकलीफ होगी और मैं इसीलिए उनसे दूर जा रहा हूं। और मैं ये बात भी अच्छी तरीके से जानता हूं कि मेरी मां मुझे ढूंढना कभी नहीं छोड़ेगी, ढूंढ कर ही रहेंगी वो मुझे। मनोरमा आंटी अभी तक यहां आई नहीं। मैं चलता हूं। अभिमन्यु, सायरा के आने तक वेट कर लो। सायरा के आ जाने तक कि मेरी माँ के आ जाने तक? वैसे तुमने मेरी माँ को हमारी लोकेशन भी भेज दी होगी ना?
पता है मैंने देख लिया था नियति। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम ये सब मुझे मेरी माँ से मिलाने के लिए कर रही हो, बट मैंने तो तुम्हें सब कुछ बता ही दिया है कि मैं अपनी माँ के सामने क्यों नहीं जाना चाहता, और इसीलिए तो उनसे दूर जा रहा हूँ। एक बात और, अपनों से दूर रहकर ही मैं उन्हें सही सलामत रख सकता हूँ। माँ मिले तो उन्हें बता देना कि मैं आज शाम की बस से हमेशा हमेशा के लिए मुंबई छोड़कर जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ ये मैं उनको कॉल करके बता दूंगा, ठीक है? गुड बाय। लेकिन जब माँ से मिलना ही नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है कि कहाँ जा रहे हो? फर्क नियति, बहुत फर्क पड़ता है। एक टाइम आएगा जब मुझे मेरी माँ की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, बहुत जरूरत होगी। पता नहीं एक दिन शायद मैं दुनिया के लिए पागल बनकर रह जाऊं, मेरी माँ के लिए मैं हमेशा उनका बेटा ही रहूंगा। उस दिन मुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। गुड बाय। हे भगवान, अभिमन्यु तो मनोरमा आंटी के पहुंचने के पहले ही चला गया। जाने दो उसे नियति, जा मुन्ना चला जा। तुझे मुझसे, अपने मामा से, अपने परिवार से दूर भागना है ना, चला जा। तू वही कर जो तेरा मन करता है, लेकिन आज के बाद मुझे कभी फोन मत करना, क्योंकि तुझे अगर मुझसे दूर भागना है तो मुझे जिंदा ही नहीं रहना। मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी, लेकिन तुझे इस हाल में जीते हुए नहीं देख पाऊंगी। मां, मेरे सामने मरने की बात मत करना आज के बाद। अगर आपको कुछ हो गया ना तो मैं, अगर तुझे मेरी इतनी फिक्र होती ना, मुझे छोड़कर नहीं भागता तू। मां, मैं आपके लिए, अपनों की भलाई के लिए तो दूर भाग रहा हूँ। अब जानती है अच्छे से कि मैं बीमार हूँ, और मेरी बीमारी आप सबके लिए खतरा बन सकती है। अभी 6 महीने पहले मैंने करण भैया को जान से मारने की कोशिश की, वो हादसा था भांजे। ये हादसा ही मेरा सच है मामा, वही सच है। कुछ दिनों में मैं अपने दिमाग पे से कंट्रोल खो दूंगा, और वो आप सबके लिए खतरा बन जाएगा। आप प्लीज समझने की कोशिश करो, प्लीज। छोड़ो मेरी माँ को, माँ छोड़ मेरे भाजपा को, माँ। ये देख क्या रहा है, मार के हाथ पांव तोड़ दे इसका, बहुत हीरोगिरी दिखा रहा था। तुम लोग की वजह से मेरी माँ का ये हाल हुआ। रहा छोड़ मेरे भाजपा को। माँ।
नियति फिर से अभिमन्यु को अटैक आया है। आप ठीक हो? यदि मुंडा नहीं आंटी आप आगे मत जाइए। ये आपका बेटा अभिमन्यु नहीं है, ये उसकी वो साइड है जिससे डरकर वो आप सबसे दूर भाग रहा है। रोको उसे वरना मार देगा उनको। मेरी माँ को चोट पहुंचाने की कोशिश की, मेरी माँ को चोट पहुंचाओगे? अगर इसे रोका नहीं गया तो ये कुछ भी कर सकता है, किसी को जान से मार सकता है। एक ऑक्सीनॉल इंजेक्शन जल्दी। पर इसके लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन चाहिए मैम। मेरी माँ को चोट पहुंचाने की कोशिश की। देखिए मैं एक नर्स हूँ। ओके 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 इंजेक्शन प्लीज जल्दी से। मेरी माँ को चोट पहुंचाओगे? मेरी माँ को चोट पहुंचाएगा? मेरी माँ को चोट पहुंचाओगे? तूने हाथ कैसे लगाया? हेलो हेलो आंटी, क्या नियति पे फिर से? क्या हुआ जी, क्या हुआ नियति को? छोड़ दे बेटा उसे, छोड़ दे मुन्ना, छोड़ दे उसे।
नियति? कम कम कहा था ना वो तुम्हें चोट पहुंचा सकता है, बट यू आर नॉट रेडी टू लिसन। तुम कभी तो मेरी बात सुन लिया करो। अब कैसा फील कर रही हो? ठीक हो? आई वॉज राइट। मैंने कहा था ना अभिमन्यु को खोलने का फैसला सही नहीं है, बट तुम मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। हो गई दिल को तसल्ली? देख लिया जो देखना था? तुम्हारी जान पाल पाल बची है नहीं थी। और आप सभी उसे फ्री करके, उसे बात करके उसका इलाज करवाने की बातें कर रहे थे, बट डिड इट वर्क? नहीं। एंड डॉक्टर शर्मा, अभिमन्यु के केस में अब से कोई एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने चाहिए। अब से आगे का ट्रीटमेंट मेरे अकॉर्डिंग किया जाएगा। आई एम ए साइकेट्रिस्ट। एंड मनोरमा जी, आप प्लीज मुझ पर भरोसा रखें। अगर हमने ट्रीटमेंट में जल्दी नहीं की तो इसकी कंडीशन और भी वर्स हो सकती है। सर, मुझे पता है मैं नर्स हूँ और आप डॉक्टर हैं और आप पेशेंट्स के बारे में ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में मैंने अभिमन्यु को जितना भी जाना है सर, मैं समझ सकती हूँ कि वो इतना वायलेंट क्यों हुआ। Really? Then please explain. सर, हमें ना उसे ऐसे बांध कर नहीं रखना चाहिए था, इसीलिए तो वो भाग रहा है। वो बार बार ये कह रहा था कि बंद कमरे में उसका दम घुटता है और हमने वही किया उसके साथ, तो उसकी वजह से उसका आपा खोया। सर सर, गलती उसकी नहीं है, गलती हमारी है। चंदू, इस बार ध्यान नहीं हटना चाहिए और ये जैसे ही उठेगा यू विल इन्फॉर्म मी। टेक केयर। थैंक यू डॉक्टर। हेलो जी जी। ओके ओके। नियति, तेरे मम्मी पापा आए, डॉक्टर आनंद के कैबिन में वेट कर रहे हैं। मम्मी पापा हॉस्पिटल में? ये अलार्म किसने बोला बजाने का? बंद करो इसे, बंद करो। अगर भगदड़ मच गई तो सिचुएशन का फायदा उठाकर अभिमन्यु आसानी से भाग जाएगा यहाँ से। दवाई। पिछले छह महीने से मेरे को कोई पकड़ नहीं पाया और आज तुम्हारी वजह से पिछले छह घंटे से मैं बंधा हूं एक कमरे में कैद। मेरा दम घुटता है, मैं नहीं जी पाऊंगा। प्लीज मुझे खोल दो प्लीज। नीति, ये अलार्म क्यों बज रहा था? कहीं आग लगी है क्या? नहीं आंटी, सब ठीक है। Stop!
कैसे निकलूंगा बाहर, इधर कटप्पा मामा और उधर आनंद। झूठे हो तुम। तुम अपनी मां से प्यार नहीं करते? अगर प्यार करते तो अपनों का दर्द समझते, कम से कम समझने की कोशिश तो करते। तुमने कहा था ना, तुम नहीं चाहते तुम्हारी मां तुम्हें इस हालत में देखे, इसलिए तुम भाग रहे हो। लेकिन आंखों से दूर हो जाने से एहसास तो नहीं मिटता ना। वैसे तो बहुत बहादुर हो तुम, गुंडों से लड़ते हो, एक औरत को तकलीफ में देखकर पूरे हॉस्पिटल से भिड़ जाते हो। तो अपनी बीमारी से क्यों भाग रहे हो? अगर हिम्मत है तो इलाज करवाओ ना। जब एक इंसान बीमार होता है ना, तो सिर्फ वो तकलीफ से नहीं गुजरता, बल्कि उसका पूरा परिवार भी तकलीफ सहता है। तुम्हारी माँ पिछले 6 महीने से तुम्हें ढूंढ रही है, तुम तक पहुंचने के लिए शहर शहर भटक रही है। अभिमन्यु, सच में अगर तुम चाहते हो ना कि तुम्हारी माँ की तकलीफ दूर हो जाए, उनका दर्द कम हो जाए, तो अपना इलाज करवाओ। एनीवे, मैं ये सब तुम्हें रोकने के लिए नहीं कह रही हूं। जो हमारे बीच दोस्ती हुई थी, उस नाते बोल रही हूं। समय से हाय। अरे लता दीदी, आप? मुझे लगा नियति के पापा हैं। कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, आइए ना। आज भी तुम भाई साहब को वैसे ही डांटती हो। लता दीदी, आप तो आनंद के साथ संडे को आने वाली थी ना। आई एम सॉरी, मुझे नहीं लगता कि मुझे मेरी फ्रेंड से मिलने के लिए कैलेंडर देख के आना होगा। अरे नहीं दीदी, आप तो बुरा मान गए, ये घर आप ही का तो है, आइए ना। ये आप लोगों के लिए। थैंक यू दीदी। मुझे आप लोगों से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, उसके लिए मैं संडे तक नहीं रुक सकती। वैसे राम भाई साहब आज भी लेट आएंगे, अब तो मैं भी उन्हें डांटूंगी। डांट लीजिए भाभी जी, तेवर हाजिर है। नमस्ते भाभी। नमस्ते भाई साहब, कैसे हैं आप? अब तो बिल्कुल वैसे ही हैं भाभी, वही 10 से 5 की नौकरी है जो 5 बजे कभी नहीं छूटती है, और वही बीवी है जो लेट आने पर डांटती है, नाराज होती है, बोलने से चूकती नहीं है। बस ऐसी चल रही है जिंदगी। आप बैठिए ना, आइए बैठिए। आप भी बैठिए। बताइए,
कैसे हैं आप? मैं तो ठीक नहीं हूँ। अरे क्या बात है भाभी जी? आनंद से पूछिए, डॉक्टर्स के पास वैसे भी टाइम नहीं होता है, और फिर अब उसका प्रमोशन हो गया है, एडमिन हेड बन गया है। सच कहूँ तो मुझे याद नहीं है कि लास्ट हमने कब साथ में डिनर किया था। मुझे तो छोड़िए, उसके पास खुद के लिए 2 मिनट सुकून के नहीं है। अरे तरक्की का यही तो समय है भाभी जी। हाँ भाई साहब है तो, पर ये तरक्की के रास्ते में ना इंसान एकदम अकेला हो जाता है। मेरी टेंशन यही है, और मैं यहां अपनी ये टेंशन दूर करने आई हूं आप लोगों के पास। अरे हाँ हाँ बताइए ना, आनंद अपना ही बच्चा है, अब बताइए हम लोग उसके लिए क्या कर सकते हैं? आनंद की बेस्ट फ्रेंड को उसका लाइफ पार्टनर बना सकते हैं। देखिए दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, एक साथ एक ही हॉस्पिटल में काम करते हैं, और आनंद को नियति बहुत पसंद है, और सच कहूं तो मुझे भी नियति बहुत पसंद है। मेरा बस चलता तो मैं बचपन में ही इन दोनों की शादी कर देती, पर अब वो 24 साल की हो गई है, तो आई थिंक ये सही समय है बात करने के लिए। इकलौती बेटी है, सॉरी भाभी जी माफ कीजिए, मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा। फिर से? हाँ अर्जेंट है भाभी, एक्चुअली ना वो मेरे बॉस ने मुझसे एक अर्जेंट फाइल मांगी थी और वो मुझे देनी पड़ेगी, मैं भूल गया, देखिए वेरी सॉरी। एक काम करते हैं ना, आप बैठिए आराम से, सुलोचना तुम बढ़िया से खाना बनाओ, मैं लौट के आता हूँ, फिर हम सब लोग बैठ के आराम से डिनर करेंगे, ठीक है? बस मैं जल्दी से आता हूँ। आई होप कि मेरी कोई बात भाई साहब को बुरी ना लगी हो। अरे नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, इनका ऐसा ही है, काम के आगे कुछ दिखाई नहीं देता है, वो थोड़ा सा काम को लेके तनाव चल रहा है, तो आप प्लीज बुरा मत मानिएगा। अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। सुलोचना तुम्हें क्या लगता है आनंद और नियति के रिश्ते के बारे में? I mean, जैसा मैं फील कर रही हूँ। आनंद तो मुझे बहुत पसंद है दीदी, मुझे तो लगता है कि आनंद मेरी नियति की नियति है। अगर वो ब्याह के आपके घर जाएगी तो हमेशा खुश रहेगी। थैंक यू। अगर अगले 7 दिनों में मैं उन लोगों को नहीं ढूंढ पाया ना, तो मैं नियति को सारा सच बता दूंगा।